आज हम दो पर्य संख्या के बीच वांछित n पर्य संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। वांछित का मतलब होता है दो संख्या ज्ञात करना, तीन संख्या ज्ञात करना, चार पर्य संख्या ज्ञात करना, ऐसे असंख्य पर्य संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक सिद्धांत का उपयोग करेंगे। देखते हैं ये सिद्धांत क्या है। दो पर्य संख्या के बीच में तीसरी पर्य संख्या उनके योगफल की आधी होती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर दो पर्य संख्याओं के बीच असल पर्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब और जो होता है दो संख्याओं, दो पर्य संख्याओं के बीच में अगर हम तीसरी पर्य संख्या ज्ञात करनी है तो उन दोनों पर्य संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद हम उसका काला कर देंगे तो उनके ठीक बीच में तीसरी पर्य संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि हम मान लीजिए माइनस एक बट्टा दो तथा पांच बट्टे चार के बीच में तीन पर्य संख्या ज्ञात करनी है। इसको समझने के लिए सरलता के लिए हमने एक रेखा खींच ली है। एक सिरे पर हमने माइनस एक बट्टा दो लिखा है, दूसरे सिरे पर हमने पांच बट्टे चार लिखा है। अब इन दोनों पर्य संख्याओं के बीच में एक हमें पर्य संख्या ज्ञात करनी है। तो भाषा के रूप में हम इतना लिखेंगे माइनस एक बट्टा दो तथा पांच बट्टे चार के ठीक बीच की पहली पर्य संख्या। ऊपर के सिद्धांत का उपयोग किया है हमने एक बट्टा दो, एक बट्टा दो का मतलब होता है जो ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है उनका हमें आधा करना है। एक बट्टा दो और पांच बट्टे चार का हमने योगफल किया है, दोनों का हमने हर है दो और चार, इनका लासा लिया है, लासा हमारा चार आया है। और जैसे हम वैल्यू को हल करते हैं उसी विधि से हम अपनाया है। जैसे चार लासा हो गया, दो से हमने डिवाइड किया चार को तो दो बार गया, दो ऊपर लिख दिया इसमें। ऐसे चार का हम डिवाइड करेंगे चार में तो एक बार जाएगा, तो एक का हमने मल्टीपल करके यहाँ पे इस तरह से ये दो एकम दो और पांच एकम पांच। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी, एक बट्टा दो तो रहेगा ही, पांच और दो अलग अलग चुनते हैं तो दोनों को हम घटाएंगे। तो पांच में से दो घटेंगे तो तीन बचेंगे, वो भी प्लस के प्लस करके लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट्टे चार है ही। अब क्या करेंगे, ऊपर से हर अंश से हर नहीं कट रहा है कोई भी, तो क्या करेंगे अंश का अंश में बड़ा करेंगे, हर का हर में बड़ा करेंगे। तो तीन का एक बड़ा दिए, तीन एकल तीन और चार दूनी आठ, तो एक बट माइनस एक बट्टा दो पांच बट्टे चार के बीच में तीन बट्टे आठ पर संख्या ज्ञात हो गई है। उसको हम इस रेखा पर दर्शा लिख सकते हैं तीन बट्टे आठ। अब मान लीजिए, अब हमें ये मान लीजिए सी बिंदु मिल गया। अब हमें एक बट्टा माइनस एक बट्टा दो और तीन बट्टे आठ के बीच में भी एक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार तीन बट्टे आठ और पांच बट्टे चार के बीच में भी हम एक पर्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो एक पर्य संख्या यहाँ आ जाएगी, एक पर्य संख्या यहाँ आ जाएगी और एक पर्य संख्या यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। इस प्रकार माइनस एक बट्टा दो और पांच बट्टे चार के बीच में तीन पर्य संख्या ज्ञात हो जाएंगी। कैसे करते हैं अभी बता दिए। अब हम माइनस एक बट्टा दो और तीन बट्टे आठ के बीच में पर्य संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिख लीजिए इस तरह से भाषा के रूप में, और वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले जो दी गई जिन पर्य संख्याओं के बीच में हमें पर्य संख्या ज्ञात करनी है उनको योगफल के रूप में लिखेंगे और एक बट्टा दो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, जिसका मतलब होता है उनको जोड़ के आधा करना है। तो इसका पहले इसलिए दो और आठ का एलसीएम आ जाएगा हमारा आठ, तो दो से डिवाइड करेंगे आठ को चार बार, तो चार हम यहाँ लिख देंगे, चार को आठ में डिवाइड करेंगे एक बार, तो एक आ जाएगा यहाँ पर चार एकम चार, ये माइनस के चार हो गए और प्लस के लिए हमारे तीन हो गए, प्लस के तीन हो गए। अब ये अलग अलग साइन के फिर हो गए, ये फिर घट जाएंगे। एक बट्टा दो बाहर रहेगा, माइनस का वन बचेगा ऊपर और नीचे रहेगा हमारा आठ, फिर भी कुछ नहीं कट रहा है। तो अब हमारा जो बन गया एक एकल एक माइनस का वन और दो अट्ठे सोलह। तो अब हमारी एक माइनस एक बट्टा दो और तीन बट्टे आठ के बीच में हमारी जो पहले संख्या बनी है वो माइनस का एक बट्टा सोलह। अब आप तीन बट्टे आठ और पांच बट्टे चार के बीच की पर्य संख्या ज्ञात करके दिखाएं, तो फिर हम यहाँ पे लिखें सर तेरह बट्टे सोलह। बिल्कुल सही जवाब, तेरह बट्टे सोलह। इसके ठीक बीच की पर्य संख्या हमारी आ गई हमारी तेरह बट्टे
16 है। तो इस प्रकार हमें तीनों पर्ण संख्या ज्ञात हो गई है। इस प्रकार हम कोई से दोनों पर्ण संख्या लेते हुए उनके बीच में पर्ण संख्या रखने के लिए उनका योगफल करेंगे और उनका आधा करते जाएंगे और पर्ण संख्या को स्थापित करते जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा दो पर्ण संख्याओं के बीच में किसी पर्ण संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब आप होमवर्क के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक और दो के बीच आपको तीन पर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तीन पर्ण संख्याएं ज्ञात करो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये करके लाएंगे और इसको फिर